तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्या क्या मेन क्रीम्स हैं जो अवेलेबल हैं जो हम पिगमेंटेशन के लिए ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली क्रीम है ये डेपी वाइट क्रीम, नेक्स्ट है ये सेसडर्मा का एजेलैक लोशन, ये बायोडर्मा का सीबीएम नाइट पील अवेलेबल है, इसमें ग्लाइक तो ये निग्रीफिक्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है कोजिक एसिड। हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी कारण से अगर स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाए तो उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण होते हैं और रिसेंट सर्वेज में देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंसर्न पिगमेंटेशन ही है। पिगमेंटेशन से ऐसा फर्क क्या पड़ता है? लोग सोचते हैं कि जिसका रंग गोरा है बोलते हैं उनका कलर साफ है, जैसे कि अगर किसी का कलर डार्क हो तो वो गंदा है। ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे अगर किसी को अगर जॉब चाहिए या किसी को मॉडलिंग या एक्टिंग करनी है तो हमेशा लोग चाहते हैं कि उनका कलर साफ हो, या कोई अगर शादी में किसी ब्राइड को देख रहा है तो वो चाहते हैं कि उनका कलर और ज़्यादा साफ हो। तो पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। पिगमेंटेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक बहुत कॉमन पिगमेंटेशन है मिलाज्मा, जिसको हिंदी में छाइयां बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारे चीक्स पे इस तरह भी पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है, कई बार फोरहेड पे भी आनी शुरू हो जाती है और ये पिगमेंटेशन धूप में जाने में ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी मोस्ट कॉमन पिगमेंटेशन है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, जैसे हमें कोई भी चोट लगती है या हमारी स्किन में किसी भी तरीके का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के बाद स्किन का कलर डार्क हो जाता है, इसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। फिर थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन। तो पिंपल्स बहुत कॉमन होते हैं, ये एडोलेसेंस और टीनेजर्स में शुरू होते हैं, कई बार 20s उम्र में भी रहते हैं, और जब पिंपल्स हील होते हैं तो बहुत सारे लोगों का वो कलर छोड़ देते हैं और ये कलर काफ़ी भद्दा लगता है और बहुत सारे लोग इसकी ट्रीटमेंट को सीख करते हैं। फिर कुछ मोल्स होते हैं, नीवस होते हैं, जो पैदाइशी ही डार्क होते हैं, तो बहुत सारे लोग इन बर्थ मार्क्स को, इन मोल्स को भी रिमूव करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी पिगमेंटेशंस हैं जो बहुत कॉमन हैं और इनके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें पिगमेंटेशन में टैकल करना होता है वो है सनस्क्रीन, क्योंकि अगर हम कोई भी पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके दो मेन थेरेपीज होते हैं। एक है कि आगे से रंग ना बने, और जो रंग बन चुका है उसको हम हल्का करें। तो जो रंग बन चुका है उसको हल्का करने के लिए हम क्रीम्स देंगे, लेकिन नया रंग ना बने इसको बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्या क्या मेन क्रीम्स हैं जो अवेलेबल हैं जो हम पिगमेंटेशन के लिए ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम पिगमेंटेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रीम्स। तो क्रीम्स में एक तो सनस्क्रीन हमने बात करी ली है, फिर हम नाइट क्रीम्स की बात करेंगे जो पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जिससे हम पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्रीम्स के बारे में। सबसे पहली क्रीम है ये डेपी वाइट क्रीम, ये मेरी एब्सोल्यूट पर्सनल फेवरेट है। इसमें 2% हाइड्रोक्विनोन अवेलेबल है, इसमें थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड भी अवेलेबल है। ये स्किन के कलर को ब्लीच करने में हेल्प करते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक भी सेफ है। सिर्फ प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम इस क्रीम को यूज नहीं करना चाहिए। इस क्रीम को लगाने का सबसे अच्छा टाइम है नाइट में, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ उस क्रीम को वहां लगाएं जहां पे पिगमेंटेशन है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्किन पे भी लगाएंगे तो वो उसका कलर भी थोड़ा सा ब्लीच हो जाएगा, तो फिर पिगमेंटेशन और नॉर्मल स्किन के कलर का जो ग्रेडियंट है वो उसी टाइम से मेंटेन रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम सिर्फ पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन पे ये क्रीम लगाएं। नेक्स्ट है ये सेसडर्मा का एजेलैक लोशन, इसके अंदर एजेलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड है। एजेलिक एसिड एक डीपिगमेंटरी एजेंट है, ये स्किन को ब्लीच करने में हेल्प करता है और उसका एक हर्बल सोर्स होता है। इसका स्पेसिफिक यूजेज है या रोजेशिया में या फिर पिंपल्स के बाद जो पिगमेंटेशन हो जाए उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था वो था हाइड्रोक्विनोन और जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये है एजेलिक एसिड। अब मैं आपसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल बात करूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। ये बायोडर्मा का सीबीएम नाइट पील अवेलेबल है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड 15%। ग्लाइकोलिक एसिड प्रेगनेंसी में भी सेफ है, इसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और इसका रिजल्ट इस चीज़ में आता है कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो जब हमारी स्किन धीरे धीरे माइक्रो पीलिंग होती है तो उसके साथ जो पिगमेंटेशन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे टैनिंग रिडक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल है, फिर जो पोस्ट एक्ने जो पिगमेंटेशन होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है, और इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक तरह की पिगमेंटेशन होती है जिसको एकांथोस नेग्रिकेंस बोलते हैं। आपने नोट किया होगा कि जिन लोगों का ओवरवेट होता है उनकी नेक पे या अंडर आर्म्स में या इस एरिया में थोड़ा सा पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, ये होता है एक्सेसिव स्किन की वजह से। तो ये निग्रीफिक्स है, इसके अंदर रेटिनॉल अवेलेबल है जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और जब स्किन एक्सफोलिएट होती है तो उससे भी पिगमेंटेशन में रिडक्शन होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भी एक डीपिगमेंटरी एजेंट है और इससे भी हमारी पिगमेंटेशन कम हो जाती है।
तो ये हैं कुछ ऐसे मेन मॉलिक्यूल्स जो हमारी पिगमेंटेशन को हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो हमारी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है NDAG लेजर। NDAG लेजर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें 1064 नैनोमीटर की वेवलेंथ हम यूज करते हैं, और आजकल जो लेटेस्ट लेजर्स आ गए उनको बोलते हैं क्यू स्विच NDAG लेजर। इनसे हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स एड्रेस कर सकते हैं, मेलाज्मा ट्रीट कर सकते हैं हम इससे, जो बर्थ मार्क्स होते हैं नीवर्स ऑफ ओटा या और अलग तरह के नीवर्स, फ्रेकल्स, लेंटीजीन्स, इनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास केमिकल पील्स अवेलेबल होती हैं। केमिकल पील से जो स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर है उसको हम पील ऑफ करते हैं, तो जब स्किन पील ऑफ हो जाती है तो उससे उसके बाद पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। इसमें हम फिनॉल पील्स, रेटिनॉल पील्स, इस तरह के पील्स हम यूज़ करते हैं। जैसा मैंने समझाया कि पिगमेंटेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो आपकी पिगमेंटेशन को डायग्नोस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।